हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन आज आप लोग को ज्योग्राफी विषय के एक टॉपिक से अवगत कराने जा रहा हूँ, जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इसमें हम क्या देखते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना का जो तात्पर्य है वह है कि पृथ्वी के चट्टानों के जो प्रकार हैं, घनत्व है, रूप या दशा है, चट्टानों के टाइप्स के बारे में, डेंसिटी के बारे में और उनके कंडीशन या उनके नेचर के बारे में। पृथ्वी के संरचना के अंतर्गत हम भूपृष्ठ से लेके, यानी इसके क्रस्ट पार्ट से लेके इसके कोर पार्ट तक के स्ट्रक्चर को जानेंगे इसमें। यानी हम अगर इनर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम यह बात करते हैं कि इसका जो क्रस्ट है, क्रस्ट से लेकर कोर तक का जो पार्ट है वो किस तरह के चट्टानों से बना है, कौन कौन से चट्टान या कौन कौन से रॉक में शामिल है, ये क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, वो किस स्टेट स्टेट में है, या सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट, अन्य स्टेट में, हम इस बारे में जानेंगे। इससे पहले दो वीडियो में भी मैंने इसके इनर स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, लेकिन वो टॉपिक के अनुसार ही बताया था। जैसे कि अर्थक्वेक के बारे में पढ़ाते समय भी मैंने बताया था कि इसके इनर स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत मैंने बताया था। फिर हम जब रॉक्स की बात कर रहे थे तो हमने क्रस्ट के बारे में भी बताया था कि क्रस्ट किस तरह के रॉक से, चट्टानों से बना है, और चट्टानों का टाइप्स क्या क्या है, कौन से मिनरल हैं और किस मिनरल के प्रधानता यानी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है, इस बारे में हमने चर्चा की। लेकिन आज हम कोर से लेके क्रस्ट तक के स्ट्रक्चर को इसमें शामिल किए हैं और यह देखने की कोशिश करेंगे अलग अलग पार्ट में, ये जो क्रस्ट है उसके बाद का जो आंतरिक से अंदर का जो पार्ट मेंटल है और से अंदर का पार्ट जो कोर है वो किस किस तरह के पदार्थों से मिलके, चट्टानों से मिलके बना है, का टेम्परेचर क्या है, उन पर टेम्परेचर का, प्रेशर का, डेंसिटी का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। और कौन से लेयर में किस तरह की चट्टाने पाई जाती है इस बारे में भी चर्चा करें, और हम देखेंगे कि हमारे इसके पृथ्वी के आंतरिक संरचना यानी इनर स्ट्रक्चर पर्याप्त डाइवर्सिटी या विविधता है, यानी अलग अलग तरह के पदार्थों से बना। ठीक है, हम क्या एक चीज़ और देखते हैं कि यह विविधता जो है, क्योंकि तो निर्माण की प्रक्रिया से ही क्या देखते हैं कि अधिक घनत्व के जो चट्टान थे पृथ्वी के केंद्र की ओर, तथा कम घनत्व के जो चट्टान क्रमशः ऊपर की ओर यानी क्रस्ट या भूपृष्ठ की ओर अवस्थित हो। और हम ये चीज़ देखते हैं कि इसके घनत्व पे या इन चट्टानों का जो क्रमवार जो विवरण देखने को मिलता है कि किस पार्ट में कौन से चट्टान या रॉक्स पाए जाते हैं, इस पे तब इस पे किसका प्रभाव है, घनत्व का प्रभाव है, डेंसिटी का प्रभाव है, प्रेशर का प्रभाव है, प्रेशर का प्रभाव या उनका रोल देखने को। ठीक है, इस प्रकार से हम अलग अलग चट्टानों के स्वरूप को इसके अंदर देखते हैं। ठीक है, फिर पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है तो मुख्य रूप से तीन पार्ट में या तीन लेयर में बांटा गया, उसको क्या कहते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। और इन क्रस्ट, मेंटल और कोर को भी लगभग सात सब लेयर्स यानी उप स्तरों में भी बांटा गया। हम इस प्रकार से इसको अब बारी बारी से देखते हैं कि यह भूपर पट्टी है, इसका बाहरी पार्ट है, ये इसका बाहरी पार्ट मुख्य रूप से महाद्वीपीय पार्ट होता है जो, और आंतरिक पार्ट मुख्य रूप से महासागरीय पार्ट होता है। बाहरी पार्ट क्या है, बाहरी पार्ट बेसिकली यह ग्रेनाइट से बना है और आंतरिक पार्ट हमको बासाल्ट से बना हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, फिर इसका जो मेंटल पार्ट है, यह मेंटल पार्ट भी तीन लेयर में बटा हुआ है। और यह तीन लेयर, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो अलग अलग लेयर हैं या सब लेयर हैं, इसको डिवीजन का जो आधार है वो उसकी डेंसिटी है। ठीक है, हम एक लेयर से दूसरे लेयर में जाते हैं तो डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है, या कहिए कि नीचे जाने पर डेंसिटी इसकी और तेज़ी से बढ़ती जाती है। और यही जो लेयर के बीच का जो गैप है, यानी जो डेंसिटी के का गैप है, एक जगह से दूसरी जगह जो तेज़ी से डेंसिटी बढ़ रही है, इसीलिए इस डेंसिटी के गैप को ही हम उसके डिसकंटिन्यूटी के रूप में देखते हैं। और हम देखते हैं कि एक लेयर से लेकर दूसरे लेयर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है, तो हम अलग अलग नाम से भी पुकारते हैं, जिसकी चर्चा हम अभी आपको इसी क्लास में बताएंगे कि किस लेयर के बीच के डेंसिटी को क्या क्या, डिसकंटिन्यूटी को क्या क्या कहते हैं। और यह डिसकंटिन्यूटी किस बेस पे होती है, डेंसिटी के बेस पे होती है। फिर
क्या देखते हैं कि भूपृष्ठ से पृथ्वी के केंद्र की ओर तापमान बढ़ता जाता है। और यह तापमान क्यों बढ़ता है? क्योंकि तापमान बढ़ने का कारण है कि गुरुत्वाकर्षण बल का ऊष्मा में परिवर्तन, पहला। दूसरा, जो रेडियो एक्टिव मिनरल है यानी जो रेडियो सक्रिय खनिज है, उनकी उपलब्धता भी तापमान के वृद्धि में प्रमुख भूमिका निभाती। खासतौर से हम भूपृष्ठ में यानी क्रस्ट वाले पार्ट में देख सकते हैं, और दूसरा हम आउटर कोर वाले पार्ट में देख सकते हैं, यहाँ टेम्परेचर रेडियो एक्टिव खनिजों के कारण काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और हम ये भी देखेंगे कि जो आउटर कोर पार्ट, कोर का जो पार्ट है, जो बाहरी कोर का पार्ट है, वो सेमी लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, जबकि बाकी सारे पार्ट या कोर, बाकी सारे लेयर जो हैं सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। एक कारण क्या है इसके ठोस में पाए जाने का? क्योंकि यहाँ जो दबाव है यानी जो प्रेशर है, उसकी तुलना में यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है। में एक प्रमुख भूमिका क्या है? रेडियो एक्टिव खनिजों की उपलब्धता भी है। खासतौर से इसके अलावा मैंने क्या बताया था कि गुरुत्वाकर्षण बल का भी ऊष्मा में परिवर्तन होते जाता है जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाते हैं। एक तो टेम्परेचर का कारण वो भी है, दूसरा रेडियो एक्टिव खनिज यहाँ के टेम्परेचर को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसीलिए हाई प्रेशर होने के बावजूद भी जो पार्ट है, जो लेयर है, जो बाहरी कोर पार्ट है, लिक्विडेड। यानी आपको कई बार इस पर सवाल पूछे जाते हैं, ट्वेल्व भी पूछे जाते हैं कि आउटर कोर लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, सेमी लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, और अवस्था में पाया जाता है। ऐसे सवाल भी बनते हैं, ये भी बनते हैं, इसके कारण क्या है, कंसेप्ट भी जानना है, ठीक है। फिर हम पृथ्वी की संरचना में आउटर कोर के बारे में जो हम बताएं, ये तरल होता है ये सब, ठीक है। इस तरीके से हम देख पाते हैं कि अलग अलग लेयर में हम चट्टान जो है किस किस अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर हम एक चीज़ और देखते हैं कि ये जो अलग अलग लेयर है, ये अलग अलग लेयर जो है अलग अलग तरह के एलिमेंट से मिल के बनता है। और ये एलिमेंट क्या है फिर, ये अगर हम देखें तो जो पहला ऊपर का लेयर है वो सियाल यानी सिलिका और एल्युमिनियम से मिलके बनता है, सिलिका और एल्युमिनियम से बनता है। फिर दूसरा जो लेयर है वो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलके बनता है, यानी इसमें क्या है, सिलिकम और एल्युमिनियम के तत्वों की प्रधानता है, और इसमें क्या है, सिलिकन और मैग्नीशियम के तत्वों की प्रधानता। फिर हम क्या देखते हैं, जो कोर का इलाका है, कोर के इलाका मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था उसी दौरान हम क्या देखते हैं कि जो भारी तत्व के पदार्थ थे वो एक कोर की तरफ शिफ्ट होते गए, और हल्के तत्व धीरे 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 ऊपर की तरफ शिफ्ट, उसकी तुलना में जो हल्के तत्व थे वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होते। तो हम नीचे क्या देखते हैं, कोर वाला इलाका जो है, कोर वाला जो पार्ट है वो निफे निकल फेरस यानी आयरन से मिलके बना है। तो इस प्रकार हम क्या देख पाते हैं, इस पर भी सवाल कई बार पूछता है कि कौन सा लेयर किससे बना है, मिलके बना है। तो हम इस तरीके से देख पा रहे हैं कि जो ऊपरी पार्ट है वो सिलिकम और एल्युमिनियम से मिलके बना है, जो उसका निचला पार्ट है उससे निचला जो मेंटल का पार्ट है उसमा से बना है, सिलिकन और मैग्नीशियम से मिलके बना है, और उससे जो निचला पार्ट जो नीफे है, जो कोर वाला इलाका है, वो किससे मिलकर बना है, वो निकल और फेरस से मिलकर बना है। फिर हमने क्या देखा कि अभी मैंने कुछ देर पहले भी बताया कि अलग अलग डेंसिटी में जो गैप है, इसी गैप के कारण अलग अलग लेयर का निर्माण हुआ, और यह इसी गैप को यानी इस डेंसिटी के गैप या डिसकंटिन्यूटी को ही अलग अलग नामों से, जैसे कि अगर क्रस्ट और मेटल के बीच का जो गैप है जो लगभग 30 से 35 किलोमीटर नीचे है, 30 से 35 किलोमीटर नीचे है वो पार्ट जो गैप है उसको क्या बोलते हैं, मोहो डिसकंटिन्यूटी, क्या बोलते हैं, मोहो असंबद्धता या मोहो डिसकंटिन्यूटी या मोहो असंबद्धता बोलते हैं। फिर हम क्या देखते हैं, जो बाह्य मेटल है और जो आंतरिक मेटल है, मेंटल है सॉरी, जो बाह्य मेंटल है जो आंतरिक मेंटल है उसके बीच के जो
असंवदता है या डिस्कंटिन्यूटी बोलते हैं। और वही जो बाह्य मेटल और बाह्य कोर है उसके बीच के जो डिस्कंटिन्यूटी है, जो डेंसिटी का बड़ा गैप है, गैप को क्या बोलते हैं, गुटेनबर्ग, अंदर दो कोर के बीच का जो डिस्कंटिन्यूटी उसको बोलते हैं कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं उसको? कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, आइए हम बारी बारी से भूपृष्ठ यानी क्रस्ट और मेंटल यानी मेंटल, उसको हिंदी में भी मेंटल ही बोलते हैं, और तीसरा पार्ट कोर यानी कोर के बारे में जानते हैं। हम बाहरी के बारे में तो अर्थक्वेक के समय जब वीडियो बना रहा था उस समय भी बताया था, लेकिन फिर से एक बार बता देते कि इसकी औसत मोटाई लगभग 30 किलोमीटर के आसपास होती है। ठीक है, और इसका जो बाहरी पार्ट का जो घनत्व होता है, तो खासतौर से ये महाद्वीपीय पार्ट का जो 2.8 होता है, निचली पार्ट का जो घनत्व वो लगभग 3 होता है। लिए 2.8 होता है, ये निचला पार्ट का 3 होता है। ठीक है, फिर हम आगे क्या देखते हैं कि यह, अभी मैंने जैसे बताया कि यह सिल्का और एल्युमिनियम जैसे तत्वों के प्रधानता से बना हुआ है, इसीलिए इसको सियाल कहते हैं। ठीक है, और भू पर पट्टी में जो सबसे ज़्यादा मात्रा होती है इनकी होती है, चर्चा मैंने पिछले वीडियो में भी कर किया था, यह लगभग 46 या 47% होती है। फिर सिलिकन होती है लगभग 27 से 28% होती है। फिर एल्युमिनियम होती है लगभग 8%। ये सबकी चर्चा में पहले, इसके बाद जो मेन तत्व बचते हैं लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम या मैग्नीशियम, ये 8 जो तत्व हैं खासतौर से, यही क्रस्ट के बड़े पार्ट का निर्माण, इसी से बनने वाले जो मिनरल हैं वो इसके बड़े निर्माण। फिर हम आते हैं मेंटल पे। हम मेंटल को क्या देखते हैं कि इसका जो विस्तार है, अभी मैंने बताया कि लगभग क्रस्ट के जो विस्तार है औसत विस्तार वो 30 से 35, यानी मेंटल का विस्तार है वो लगभग कितना है, 30 से लेके 2900 किलोमीटर तक का है। यानी यह पार्ट है 2900 किलोमीटर तक का है, यानी यह जो लंबाई है 30 से लेकर 2900 किलोमीटर पृथ्वी के अंदर की, वो मेंटल पार्ट कहलाता है। और यह क्या है कि यहाँ हम क्या देखते हैं कि अगर भू पर पट्टी में कोई भूकंप, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, उत्पन्न होता है, तो अगर वो मेंटल वाले पार्ट में आता है तो उसकी गति काफ़ी तेज हो जाती है। काफ़ी तेज क्यों हो जाती है, मैंने अभी बताया कि ऊपर वाले पार्ट की तुलना में, यानी भू पर पट्टी की तुलना में मेंटल का जो डेंसिटी होता है वो हाई होता है। जानते हैं कि भूकंप लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी वाले पार्ट में जाती है तो उसकी गति या उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। ये फिजिक्स में भी आप पढ़ें, पढ़िएगा। ठीक है, इस प्रकार हम क्या देखते हैं, ये जो डिसकंटिन्यूटी है, ये जो डिसकंटिन्यूटी है वो डेंसिटी के कारण है, और हाई डेंसिटी लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी में जब तरंगें जाती हैं वो तेज हो जाती है। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं कि जो इस क्रस्ट और मेंटल के बीच का जो डिसकंटिन्यूटी है उसको अभी मैंने बताया कि मोहो डिसकंटिन्यूटी आते हैं। और यह बेसिकली सिलिका और मैग्नीशियम यानी सीमा, जिसके बारे में अभी हम बताए हैं, से मिलके, मतलब क्या है, यहाँ ये दोनों एलिमेंट की प्रधानता होती है, ये मेजर इसका रोल होता है तरह के ये मेंटल के निर्माण में। ठीक है, तरीके से हम क्या देख पाते हैं कि ये जो सिलिका और मैग्नीशियम सीमा कहते हैं वो इसके निर्माण में प्रमुख रूप से भूमिका निभा। ठीक है, अब हम ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच जो गैप होता है, जो डेंसिटी गैप होता है, ये ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच का जो डेंसिटी गैप होता है उसको क्या बोलते हैं, रेपेटी। क्या बोलते हैं? रेपेटी असंवदता या डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। फिर हम आते हैं कोर इलाके। कोर इलाके में क्या देखते हैं कि यह लगभग 2900 से लेके इसकी जो गहराई होती है वो लगभग 6378 किलोमीटर, ये कहीं कहीं 71 भी लिखा होता है, 6378 किलोमीटर तक होता है। इसमें भी दो पार्ट होता है, यह बाहरी पार्ट और ये आंतरिक। बाहरी पार्ट जो है यह लगभग 5100 किलोमीटर तक होता है, यानी 2900 से लेके 5100 किलोमीटर तक ये पार्ट होता है, 5100 से लेकर
यहाँ तक 6320 आंतरिक कोर पार्ट होता है, ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो इसका बाहरी पार्ट होता है यह लिक्विड होता है, जिसके इसका कारण अभी हम बताए हैं, और जो इसका इनर पार्ट होता है ठोस होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ टेम्परेचर की तुलना में प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, इसीलिए हाई टेम्परेचर होने के बावजूद भी यह लिक्विड अवस्था में नहीं, हाई प्रेशर के कारण यह ठोस अवस्था में, तो वहीं यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा प्रभावी होता है प्रेशर के तुलना में, यहाँ प्रेशर ज़्यादा प्रभावी होता है, इसलिए सॉलिड स्टेट में पाया जाता है और यह इसीलिए सेमी स्टेट में पाया जाता है। दूसरी खासियत क्या है कि हमने जब वेव्स के बारे में पढ़ाया था या तरंगों के बारे में पढ़ाया था, हमने बताया था कि पी वेव्स यानी प्राइमरी वेव्स जो है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट में चलते हैं, वही सेकेंडरी वेव्स जो है वो केवल सॉलिड स्टेट में चलते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जो तरंगे उत्पन्न होती हैं वो पी तरंगे तो इस लिक्विड स्टेट से होके इस सेंटर तक पहुंच जाती है, लेकिन जो एस तरंग है जो लिक्विड से होके नहीं गुजरती है वो यहाँ से आके रुक जाती है, ख़त्म हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी वह बाहरी कोर पार्ट में सेमी लिक्विड होने के कारण नहीं गुजर पाती है। और यही कारण है कि भूकंप जो है हमें पृथ्वी के इनर स्ट्रक्चर या आंतरिक संरचना की जानकारी माध्यम से देता है, और यह बताता है कि यह जो बाहरी कोर है सेमी लिक्विड, ठीक है। हम ये जान पाते हैं कि भूकंप किस तरीके से हमें इनर स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। फिर हम एक चीज और देखते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर से अंदर की तरफ आते हैं, इसके खासतौर से टेम्परेचर पे, प्रेशर पे और डेंसिटी पे प्रभाव देखने को मिलता है, जो मैंने शुरू में ही बताया है कि इसके अंदर जो पाए जाने वाला चट्टान है वो उसका डिसीजन कौन कहाँ है किस अवस्था में है वो उसका डिसीजन ये तीन चीज़ें मिलके करती है। और हम ये जानते हैं कि ऊपर से जब नीचे की तरफ आते हैं तो इसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है, जहाँ यह क्रस्ट पे लगभग 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच होता है, वहीं अगर 100 किलोमीटर अंदर आ जाए तो इसका टेम्परेचर 1000 डिग्री, फिर बाहरी मेंटल पे इसका टेम्परेचर 3000 डिग्री, फिर इसके बाहरी कोर पे इसका टेम्परेचर लगभग 4500 डिग्री, और वो इसके सबसे सेंटर पे इसका टेम्परेचर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या देख पाते हैं, लगभग यह टेम्परेचर कितना हो जाता है, लगभग यह टेम्परेचर 5500 डिग्री के बाद आसपास हो जाता है। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि इसका टेम्परेचर बढ़ते जाता है, और यह टेम्परेचर जो है खनिजों के स्टेट को डिफाइन करने में बहुत मदद, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो उसको लिक्विड स्टेट में लाने को, लेकिन केवल टेम्परेचर ही नहीं बढ़ता है, उसकी डेंसिटी भी बढ़ती है। और डेंसिटी भी जहाँ हम यहाँ देखते हैं कि यह 2.8 था या 3 था इसका इनर सेल, फिर इसके नीचे हम देखते हैं कि यह लगभग कितना हो जाता है, ये 5 के आसपास मेंटल एरिया में 5 से लेकर 12 तक चला जाता है। अलग अलग पार्ट को अगर हम देखें ध्यान से तो यह लगभग 5 से लेकर 12 तक चला जाता है, और फिर 5 से लेकर ये पार्ट 5 लगभग यह डेंसिटी कितनी हो जाती है 3 से लेकर 9 तक हो जाती है, और फिर यहाँ से 9 से लेकर यह 13 तक की डेंसिटी, यहाँ सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है 3.6, इस एरिया में डेंसिटी लगभग कितनी होती है लगभग 12.6 तक। अगर यहाँ बॉर्डर पर देखें ये डेंसिटी 12.6, यहाँ जब आते हैं तो ये 13, यानी इसकी डेंसिटी ऊपर से लेकर नीचे तक बढ़ती जाती है, ठीक है। इस प्रकार हम क्या देखते हैं यह इसकी डेंसिटी भी बढ़ती जाती है और भारी तत्व नीचे ही ज़्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है। फिर हम एक चीज़ और देखते हैं कि इसका जो टेम्परेचर और ये जो डेंसिटी है ये लगातार बढ़ रहे हैं, फिर उसी तरीके से इसका प्रेशर भी बढ़ता जाता है। प्रेशर कैसे, बाहरी ऊपर के जो चट्टान है एक दूसरे के ऊपर दबाव बनाते जाते हैं, जैसे जैसे और हम नीचे आते हैं ये प्रेशर और बढ़ता ही जाएगा, और इसके सेंटर पर जाके प्रेशर मैक्सिमम हो जाता है। यानी क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से अगर हम नीचे आते हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ता है
प्रेशर भी बढ़ता है और डेंसिटी भी बढ़ता है, और डेंसिटी भी बढ़ता है। इस प्रकार हम क्या देखते हैं, जो पृथ्वी का आंतरिक संरचना है वो टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी से किस प्रकार प्रभावित होती है, और उसका प्रभाव आंतरिक पदार्थों पर किस प्रकार, और इसके कारण कैसे यह तरल अवस्था में रहते हैं, ठोस अवस्था में रहते हैं या अन्य अवस्था, ये भी हमको इसे आज नहीं, आज हम आंतरिक संरचना पाएं। अगर प्रश्न हो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, लग रहा है कि कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा है, प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, और हमें भी इसका, हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब इसको देखेंगे तो हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा, तो हम और इस, थैंक यू सो मच।